वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई योर फ्यूचर स्पाउस चूज यू टू मैरी यू। तो कोई सब्सक्राइबर हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि वो आपसे ही शादी क्यों करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप लव से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर टू आप सक्सेस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। वन, अगर आपने लव को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपको क्यों चूज़ कर। पॉइंट्स, ओके, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट है थ्री ऑफ कॉइंस, टॉरस वो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। सबसे पहले यह चीज़ है कि वो आपको सबसे ज़्यादा इसलिए चूज़ करेंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पैसे से या अरेंज मैरिज, लव मैरिज हो रही है, यहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं है और पैसे के लिए यहाँ शादी नहीं हो रही है। हालांकि आप दोनों ही जो है अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अबंडेंट या एफ्लुएंट होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप दोनों के बीच में जो प्यार रहेगा वो बहुत ज़्यादा गहरा रहेगा। और ये जो है कॉलेज टाइम से हो सकता है या स्कूल टाइम से भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें, जैसे आप टेंथ या प्लस वन में आए, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे यह फील हो रहा है कि आपने अपने कैरियर को बनाया, अपनी लाइफ को बनाया, पेरेंट्स को भी पता है और बहुत लंबे समय से पता है, लेकिन उस चीज़ में जो है आप ये नहीं करा कि इस रिलेशनशिप, जैसे कुछ लोग होते हैं, अब बोलना नहीं चाहिए कि रिलेशनशिप के चक्कर में सब कुछ लूज़ कर दिया, वो चीज़ नहीं है आप में। आप समझदारी से चल रहे हो, दोनों ही चल रहे हो। आपका इनर चाइल्ड जो है वो लव करता है, कि मतलब लड़ना है, भिड़ना है, एक दूसरे का साथ देना है, समय बिताना है, एक दूसरे से छीन के खाना है, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ है। एक डीप सेंस ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ पे है। ये एग्रीमेंट वाली या कॉन्ट्रैक्ट वाली मैरिज नहीं है यहाँ पे, कि भाई किसी ने कह दिया, समाज ने आप दोनों को इकट्ठे ले आए और आप जो है ढो रहे हो, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपके स्पाउस आपको इसीलिए चूज़ करेंगे, सबसे पहले कारण यही है, और आपने चूज़ भी लव ही किया था कि वो आपसे ज़्यादा लव करते हैं और इस वजह से जो है वो आपके साथ आएंगे। तो ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा उनकी फीलिंग्स में ये रहेगा कि आप दोनों की जो इनर चाइल्ड है, एक दूसरे को जो समझने का तरीका है, या ये कह सकते हैं कि जो आप दोनों के बीच में लगाव है, उसकी जो डेप्थ है वो कोई और व्यक्ति नहीं समझ सकता या समझ सकती। तो आप में अगर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, चाहे वो कंट्री का हो, रिलीजन का हो, स्टेट का हो, लैंग्वेज का हो, खाने पीने का हो, उसको भी जो है आप ओवरकम करोगे। यहाँ पे ये चीज़ है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और एक पर्सन जो है काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे या कट थ्रोट वाले होंगे, उन्हें जो है फालतू की चीज़ें या नो नॉनसेंस वाली सिचुएशन रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो लॉयल्टी है, ये जो एक कमिटमेंट दिया है, और कमिटमेंट जैसे कैसे कहूँ मैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे किसी से शादी करी तब कमिटमेंट उनका स्टार्ट हुआ, तो ये तो सामाजिक चीज़ है। लेकिन कुछ लोग जो है वो वाकई में इतने इमोशनल होते हैं या लॉयल होते हैं कि उन्होंने शादी करी है या नहीं करी है, ठीक है। हालांकि मैं लिव इन रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि उसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों हैं। तो लीगल मैरिज होने से पहले भी व्यक्ति एक दूसरे से कमिटेड है, लॉयल्टी दिखा रहा है या दिखा रही है, तो वो एक्चुअली में आपको उस तरीके से एक्सेप्ट कर चुका है या कर चुकी है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप तरीके का लव यहाँ पे है, और आप दोनों ने ही जो है वो अपनी लाइफ को सोचा होगा या पेरेंटहुड को सोचा होगा, ये करना है ये नहीं करना है, और एक हर चीज़ के एक्सपीरियंस को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जीने की इच्छा यहाँ पे मुझे लग रही है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने जो है सोचा हो कि हम जो है वो ये सब करेंगे, शादी होगी और ये सब होगा जब आप बड़े हो जाएं, ठीक है। बचपन में कोई नहीं सोचता कि हम लोग शादी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बट यहाँ पे ये चीज़ है कि कुछ एज के बाद जो है आप लोग ये सोचोगे और आप यहाँ पे घूमने जाने की इच्छा रखोगे, और वो जो है वो विश जो है वो आपकी फुलफ़िल वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है, चाहे थोड़ा समय लग जाए लेकिन ये चीज़ जो है वो फुलफ़िल ज़रूर करेंगे। आपके इमोशंस की वो कदर करेंगे और आप भी उस पर्सन के इमोशंस की कदर करेंगे। ऐसा नहीं होता कभी भी कि कभी लड़ाई ना हो, लड़ाई होगी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ नहीं है कि आप ईगो पे ले लो या एक दूसरे से अलग हो रहे हो या आप एक दूसरे के बिना जो है वो अच्छे से जी पा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है और आप दोनों एक दूसरे के लिए जो है समर्पित रहोगे, डिवोशन रहेगा। डिवोशन जो है वो बहुत कम लोगों में होगा या होता है,
मैरिजेस में खासकर बोलना नहीं चाहिए बट ये एक्चुअल सच्चाई है, बहुत ही कम मैरिजेस में डिवोशन होता है, लेकिन इस मैरिज में जो है वो डिवोशन रहेगा क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जो है आप दोनों का वो जो है बचपन से एक दूसरे को पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, इस वजह से जो है वो आपको चूज़ करेंगे अपनी लाइफ में। तो पहला कार्ड आ रहा है लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स, तो हर चीज़ में जो है वो खुशियाँ देखेंगे या लव देखेंगे, इस तरीके की एनर्जी। और नेक्स्ट आर फ्रीडम, आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपकी जो पावर है या हैप्पीनेस है, आपके पास हैप्पीनेस सॉरी इतनी पावर है कि आप हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाओ, और वो चीज़ फ्रीडम से आती है। अगर मान लो किसी को पिंजरे में कैद कर दोगे, जो भी जेंडर हो या कोई एनिमल भी हो, वो खुश नहीं रहेगा। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी से खाना जो खाता है या जो भी करता है वो अपनी चॉइस का ही अमूमन खाता है। बेशक हमें हेल्दी चॉइसेस रखनी चाहिए, लेकिन अगर आपने सारी ज़िंदगी जो है हेल्दी चॉइसेस रखी और आपने बेस्वाद खाना खाया, तो कभी तो आपका मन करेगा कि अरे ये भी खाना चाहिए, ट्राई तो करूँ, तो आप खा भी सकते हो। ऐसा चीज़ नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो, तो अगर किसी भी मैरिज में या रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होगी तो उसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है। इसी वजह से जो है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप में वो क्वालिटीज़ हैं कि आप प्रैक्टिकल तरीके की डिसीजन भी सकते हो और इमोशंस को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो, तो एक अच्छा बैलेंस जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। और रही मनी की बात, आप मनी मैनेज करने में ज़्यादा अच्छे हो, उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, आप कम कर पाते हो, तो इसलिए मनी भी जो है वो आपको ही देंगे, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और लव जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगा, सॉरी कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। बाउंड्रीज़, आप लोगों को बाउंड्रीज़ जो है वो क्रिएट करना आता है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कंपैटिबिलिटी, तो कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग बिगिंस विद द ऑनेस्ट टॉक, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोगों की जो टॉक होगी जो भी होगी वो ऑनेस्ट होगी, झूठ पे नहीं होगी, ईगो पे नहीं होगी, लोगों की गलत बातों पे नहीं होगी, ऐसी चीज़ है यहाँ पे। आप लोग जो है एक दूसरे को अवॉइड नहीं कर रहे हो या झूठ नहीं बोल रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है डेस्टिन्ड फॉर द ग्रेटनेस, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप डेस्टिन्ड हो ग्रेटनेस के लिए, महान कामों के लिए या ग्रोथ के लिए, तो इस तरीके से है। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। ब्लेसिंग्स है यहाँ पे, ओम आया है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है यहाँ पे, और एक टी कॉफ़ी का हो सकता है आप जो है वो कोई बिजनेस भी स्टार्ट करो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, हीलिंग है यहाँ पे, आप खुशी महसूस कर पाओगे, आपको ये महसूस होगा कि जेन्युइन तरीके से कि क्या सही है और क्या गलत है और किस चीज़ में मुझे सपोर्ट करना चाहिए और किस चीज़ को मुझे सुधारने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी, तो एक विजडम जो है वो बढ़ेगी। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। बारिश ऐश किंग का, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए तू है दर्शन रावल का, एक और देख लेते हैं। और ग्रीन कलर जो है स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए, तू ही है डियर जिंदगी का, तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने सक्सेस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस ने आपसे ही शादी करने को क्यों चूज़ कर रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट फिर से आया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, हैवी इंटेंस स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे जो है वो आपसे शादी इसलिए करेंगे, पहली चीज़ कि वो बहुत ज़्यादा रिजर्व रहे होंगे, शाई पर्सन होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर से ये कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो वो जो है आप पे ट्रस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया होगा, आपसे बातें करके उनको ऐसा लगा होगा कि जेन्युइन पर्सन है, या आपसे बातें करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, इस तरीके की एनर्जी है। वो ज़्यादातर जो है केसेस में अपने इमोशंस को हमेशा छुपा कर ही रखना पसंद करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो आपसे बात करने लगे या खुलने लगे, उन्हें लगा कि आप जो है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, या पास्ट में उनको कभी किसी ने नुकसान पहुंचाया होगा, जैसे इधर से उधर चुगली करना या ये सब करना, वो चीज़ जो है वो आपको अच्छी नहीं लगी होगी।
तो इस वजह से जो है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, या ये कह सकते हैं कि अपने दिल के दरवाजे जो हैं वो आपके लिए खोलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड ये पर्सन होंगे। यहाँ पे जो है आप दोनों की मुलाकात जो है या किसी यूनिवर्सिटी में हो सकती है, या फिर जो है मुझे यहाँ पे रिसर्च वर्क से रिलेटेड भी जो है यहाँ पे एनर्जी ऐसी लग रही है कि रिसर्च वर्क के दौरान जो है आप लोग एक दूसरे से मिलोगे और वहीं से जो है आपकी लव स्टोरी कह सकते हैं या बॉन्डिंग जो है या फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ, या PhD आप कर रहे होगे, रिसर्च वर्क कर रहे होगे, जैसे भी हो सकता है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है और आप लोग जो है इस चीज़ को क्रिएट करोगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी देना चाहेंगे, जिससे जो है आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाओ, आप पैसे कमा पाओ। और उस ऐसा नहीं है कि आप नहीं कमा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद मतलब एक हक दे देंगे कि वो जो है आपको ही देना चाहे। तो उनके लिए रिलेशनशिप्स या बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और आपके लिए भी ये चीज़ रहेगी। इस वजह से जो है जो आप दोनों की इनर वैल्यूज़ होंगी वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगी, इस वजह से जो है आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को जो है हमेशा हमेशा के लिए बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट करोगे। वो आपके साथ समय बिताना पसंद करते होंगे, एक विश जो है वो उनकी फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि उनके अंदर पहले जो है जो रिजर्वनेस थी, शाइनेस थी या कॉन्फिडेंस की कमी थी, उसको जो है आपने बूस्टअप किया होगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर जजमेंट दो दफ़े आया है, तो ईश्वर भी चाहते होंगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ और अपनी लाइफ को या डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर पाओ। वो जो हंसना है, खेलना है, टाइम पास करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि कई बार जो है बच्चे जो हैं वो इमोशनली जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि मुझे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो वाली एनर्जी यहाँ पे जो है इस पर्सन की रही होगी, लेकिन पास्ट में रही होगी, और आप जो है धीरे धीरे इस चीज़ इस पर्सन को जो है कुछ हद तक जो है इमोशनली कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए वो चीज़ जो है वो सिखा दोगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, तो आप लोगों की शादी जो है वो बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से या ट्रेडिशनल तरीके से होगी, और उस चीज़ को या उस मेमोरी को वो बहुत ज़्यादा चेरिश करेंगे। वो आपको इसीलिए चूज़ करेंगे क्योंकि आपने उनकी लाइफ को काफ़ी हद तक बदला होगा, सक्सेस क्रिएट की होगी। सिर्फ पैसे से सक्सेस नहीं आती है, सक्सेस जो है आपके इमोशन से भी आती है। वो पहले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे या कॉन्फिडेंस की कुछ हद तक कमी थी, तो उन सब चीज़ों में भी जो है वो डिफरेंस आया होगा। इस वजह से जो है वो आपको हमेशा के लिए एक्सेप्ट करेंगे और हमेशा जो है वो आपके आसपास ही रहना पसंद करेंगे। तो आपका जो सपोर्टिव नेचर होगा और उन वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति ले ही रहा है, वो दे भी रहे हैं, तो वो आप पे विश्वास करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों पे वो विश्वास करते ही नहीं होंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी, इस वजह से वो आपको शादी करने के लिए चूज़ करेंगे। चलिए देखते कुछ और कार्ड्स। सक्सेस, आई नो देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो लव में ही सक्सेस क्रिएट कर रहे हो, सक्सेस में ही लव आ रहा है, तो दोनों का एक अच्छा बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू द पीपल हु दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि रिलेशनशिप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है आपके लिए फायरी हॉट ओवरवेलमिंग म्यूचुअल डिज़ायर, तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है पेन इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, तो उन्हें ऐसा लगेगा या फील होगा कि पेन जो उनको मिला लाइफ में उससे जो है वो ग्रोथ कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है नरिशमेंट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ फोकस, सोल फाउंडिंग, तो आप उनको हेल्प करोगे, इस वजह से भी वो आपको सेलेक्ट करेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि आप जो है वो किसी कह सकते हैं किसी मटीरियलिस्टिक गेन के लिए आ रहे हो, ऐसा चीज़ नहीं है यहाँ पे, तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फेटेड एनकाउंटर, तो ईश्वर जो है, डेस्टिनी जो है वो आपको एक दूसरे से मिलाएगी और आप लोग जो है इस चीज़ को चेरिश करोगे और एक दूसरे के साथ आ जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चांप्स। तो यहाँ पे कैरियर के थ्रू आप लोग मिल सकते हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, और यहाँ पे इनोसेंस जो है, जो इनोसेंस कुछ हद तक दब गई थी, वो जो है ऊपर आ जाएगी, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। वे कमलिया प्रीतम का है गाना, देख लेना, और नैना दिलजीत दोसांझ का। तो इस तरीके के गाने जो आपके डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।